तो मेरा देखिए ये खुटा झूल रहा है, क्या करते हैं, इसको सेंटरिंग पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा अंदर बाहर सेंटरिंग हो चुका है। देखिए प्लाई इस तरह से लगा दिए, प्लाई जैसे लगाए मेरा 2 फीट अंदर, 2 फीट साइड साइड में हमको चैनल लगाए, 2 फीट का गैपिंग दिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 फीट है, और उसका प्लाई लगाए, सही से प्लाई लगा दिए। और क्या करते हैं, इसका जो सेंटरिंग पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं सेंटरिंग पूरा हो चुका है, पूरा साइड में सेंटर। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ क्या यहाँ पे जो सेंटरिंग करते हैं, तो सेंटरिंग पूरा हो चुका है। और बताना चाह रहा कि आपको जो इसका खूंटा जो लेबल करने समय धागा लेबल, तो उसको खूंटा कैसे लगाते हैं। देखिए इतना सारा खूंटा लगा हुआ है मेरा, 2 फीट दूरी दूरी में जो खूंटा लगाए हैं, तो उसको हम धागा में लेबल कर रहे हैं। जैसे धागा में लेबल करने, तो इसको खूंटा लगाने का तरीका क्या है, तो चलिए बता देते किस तरह से तरीका है। तो मेरा यहाँ पे देखिए खूंटा लगा हुआ है, सब सारा खूंटा, जहाँ पे छोटा खूंटा हो गया तो उसमें ईंट लगा दें, जब मिट्टी भरा है मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ हम ढलाई नहीं किए पहले, यहाँ घोला पानिंग होगा, तो घोला पानिंग जैसे होगा मेरा, तो इसको ढलाई रूम करेंगे पहले, ढलाई रूम करने के बाद सोलिंग करेंगे, प्लास्टर करेंगे, तब पर भी सब प्लास्टर करेंगे, तब मेरा ये घोला पानिंग होगा। तो जैसे घोला पानिंग होगा दोस्तों, तो अभी ढलाई करने का ज़रूरत नहीं होगा, जब ढलाई के साथ साथ घोला पानिंग होगा, तो जैसे ढलाई के साथ साथ जैसे घोला पानिंग होगा, तो हम खूंटा लगाएंगे, जो मिट्टी भरा हुआ है देखिए, टुकड़ा टुकड़ा मिट्टी भरा हुआ है, तो हम मिट्टी भरा हुआ है तो क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या किए, चौड़ाई करने समय इसको पूरा पानी भरे हैं, पूरा पानी भरे हैं, और बैठ गया जितना बैठना, फिर एक बार धुरमुस लगाएं दोस्तों, जैसे दोस्तों धुरमुस लगाएं मेरा, तो धुरमुस लगाने के बाद लेबल किए, फिर ये टुकड़ा टुकड़ा जो छाटेंगे हैं गिरा दिए। तो अब क्या करते हैं यहाँ, तो देखिए यहाँ के क्या करते हैं, तो पहले ये मेरा खूंटा देखिए छोटा पड़ रहा है, मतलब छोटा पड़ रहा है, लेकिन इतना तक मेरा जमीन है, ये 6.5 से 12.5 फीट का हाइट है, यहाँ से यहाँ तक 12.5 फीट मेरा जमीन लेवल हुआ है, पहले से जमीन क्या हुआ वहाँ तक, तो वो नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा, तो दिखा देते आइए, तो ये मेरा जमीन लेवल है, तो इसी का लेवल में मेरा ये ज़मीन होगा। देखिए 6 इंच नीचे जो है, 5 इंच नीचे है, 6 इंच नहीं है दोस्तों, ये 5 इंच नीचे जो है, तो यहीं लेवल पे हम करेंगे इसको घोला पानी, यहीं लेवल से करेंगे। तो यही लेवल से करने के लिए क्या करते हैं, तो मेरा खूंटा देखिए, मतलब खूंटा मेरा साइज का है 10.5 फीट का, तो जैसे 10 फीट का है, तो ये 6 इंच 5 इंच छोटा पड़ रहा, तो मेरा 5 इंच छोटा के कारण खूंटा छोटा हो रहा। तो दोस्तों खूंटा जैसे छोटा हो गया, तो हम इसको क्या करें, खूंटा लगाने के लिए अंदर में क्या करते हैं, इतना छोटा पड़ गया, इसको क्या करते हैं, इस तरह से खूंटा लगाएंगे, देखिए इस तरह से जब ईंट लगाएंगे, तो हम ईंट का नीचे क्या करना चाहिए, मिट्टी जमीन भरा हुआ है, तो इसको पहले और इसको बढ़िया से बैठाएंगे, तो चलिए यहाँ से बैठा दीजिए, रुकिए इसको सेट करिए। तो दोस्तों जैसे यहाँ खूंटा लगाएगा, तो यहाँ से सबसे पहले मिट्टी को पहले क्या करते हैं, बैठा लेते हैं, फिर से धुरमुस करके बैठाएँ पहले, जैसे खूंटा वहाँ पे लगेगा, देखिए वहाँ पे पूरा प्लेस करके बैठाएँ, तब खूंटा लगे मेरा। तो ये कारण क्या है, इसको बैठाने का कारण क्या है, मेरा जो छत ढलाई करेंगे, ताकि मेरा जितना ही लोड पड़े ऊपर से, जितना ढलाई मसला देंगे, कंक्रीट देंगे, तो उसको यहाँ पे नीचे बैठेगा नहीं, इसके कारण पूरा इस तरह से मिट्टी को सही से बैठा लीजिएगा, प्लेस करके बैठा लीजिएगा, और इसके ऊपर खूंटा लगाइए, तब मेरा बढ़िया होगा। जितना सारा खूंटा है, देखिए मेरा ईंट लगा हुआ है, बैठाई ईंट पटरा जहाँ लगा हुआ है मिठाई, सिर्फ ऐसे खूंटा लटका के मत दीजिए, देखिए ये झूल रहा है, इसमें पैकिंग देंगे, इसे मत छोड़ दीजिए, मतलब यहीं से मिट्टी सटा के मत छोड़िए, तब खूंटा इतना छोटा है 4 इंची 3 इंची, तो नीचे दब जाएगा, ऐसा नहीं करना, पूरा सही से बैठाइए, फिर ईंट लगाइए, देखिए इस तरह से बैठाते हैं, इस तरह से पूरा सही से बैठा लीजिएगा, जितना ईंट लगेगा आप ईंट सही से दे दीजिएगा, देखिए हो गया, और एक गो ईंट लगेगा दे दीजिए, और इसको
इसको और एक ईंट लगेगा, ईंट दे देना है। देखिए ईंट लग गया, इसको सही से जाम होगी। और दोस्तों इस तरह से लगाना, और ईंट के कारण कहीं पे छोटा पड़ जाएगा, फिर एक गो पट्टा लगा दीजिएगा, कहीं पे दो गो पट्टा लगा, यहाँ पे दो गो पट्टा लग रहा है ईंट के चलते, ईंट दो ईंट के साथ दो गो पट्टा, यहाँ पे दो गो लगाइए, जहाँ जैसा लगेगा वहाँ लगाइए, कहीं पे ईंट के साथ पटरा भी नहीं लगा है। ये मजबूत ईंट है, सफ़ेद वाला ईंट से बहुत मजबूती है, सीमेंट वाला ईंट, इसलिए पटरा लगाने की जरूरत नहीं है, टूटेगा नहीं।